नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया हो रही होगी, आपको कोई समस्या नहीं होगी। बच्चों, हम लोग स्टेट लाइन पढ़ रहे थे। स्टेट लाइन में हम आज पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन इन वेरियस फॉर्म, यानी कि अलग अलग फॉर्म में स्टेट लाइन की क्या इक्वेशन होंगी। क्लियर है बच्चों? तो चलिए सबसे पहले देखिए हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल फॉर्म। आइए बच्चों, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है। मुझे बाई एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन की इक्वेशन बतानी है जो ओरिजिन से ए डिस्टेंस पर है। ए लाइन विच इज पैरेलल टू बाई एक्सिस या विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस ए यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। क्या इक्वेशन होगी बच्चों? एक्स इक्वल टू ए होगी कि नहीं होगी, बोलो। अब अगर मैं ए इक्वल टू जीरो कर दूं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? यानी कि इक्वेशन उठ के यहां आ जाएगी बाई एक्सिस पे या नहीं आएगी? जब ये डिस्टेंस जीरो कर दूंगा तो एक्स इक्वल टू जीरो, बोलो बच्चों, एक्स इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ बाई एक्सिस। यानी कि बाई एक्सिस की क्या इक्वेशन है? एक्स इक्वल टू जीरो। अब आइए बच्चों, इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन या परपेंडिकुलर टू बाई एक्सिस और ओरिजिन से कितनी दूरी पर है ये? बी दूरी पे। तो क्या इक्वेशन हो जाएगी बच्चों? वाई इक्वल टू बी। जल्दी बोलो, यानी कि ओरिजिन से बी दूरी पे और एक्स एक्सिस के पैरेलल, वाई इक्वल टू बी। अब यहां अगर मैं बी इक्वल टू जीरो करूं तो ये जो बी जीरो कर दूंगा तो ये लाइन उठ के यहां एक्स एक्सिस पे आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? तो बी को जीरो करते ही वाई इक्वल टू जीरो, ये किस चीज की इक्वेशन होगी बच्चों? वाई इक्वल टू जीरो इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। तो अगर बच्चों आपसे कोई सिंपली पूछ ले कि वाई एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, वाई इक्वल टू जीरो, और अगर आपसे वाई एक्सिस की इक्वेशन पूछ ले तो क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो, एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है साहब, क्लियर है यहां? या मैं समझता हूं आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। अब इसके बाद आइएगा बच्चों, यस, इसके बाद आप आएंगे वन पॉइंट फॉर्म। यस, ये एक लाइन है बच्चों दिस, जो एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बना रही है। इस पे बच्चों एक पॉइंट है ए एक्स वन वाई वन, इसी पर आपने एक पॉइंट ले लिया पी एक्स वाई। जल्दी बोलो, क्या ले लिया? एक्स वाई, दिस एंड दिस। तो इसके अगर मैं इसको आर बोल दूं तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स इंटू वाई वन होंगे कि नहीं होंगे भाई? यहां पे x चेंज होगा, पैरेलल टू x एक्सिस है, और यहां पर क्या चेंज होगा? y चेंज होगा क्योंकि पैरेलल टू y एक्सिस है। तो बच्चों ये डिस्टेंस कितनी हो गई? दिस y माइनस y वन, ये डिस्टेंस कितनी हो गई? x माइनस x वन। और अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो भाई क्या हो गया ये? टेन थीटा पी आर ओवर ए आर मीन्स वाई माइनस वाई वन ओवर एक्स माइनस एक्स वन, हा या ना? तो वाई माइनस वाई वन इक्वल टू टेन थीटा एक्स माइनस एक्स वन, यानी कि वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। बोलिए साहब, दिस इज कॉल्ड वन पॉइंट फॉर्म, यानी कि एक पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन। अभी जैसा आपसे कह दिया जाए कि साहब एक पॉइंट है वन टू और स्लोप है इसका फोर, तो वन टू से जाने वाली लाइन जिसका स्लोप फोर हो क्या होगा? वाई माइनस टू एम फोर एक्स माइनस वन, यानी कि फोर एक्स माइनस फोर, तो फोर एक्स माइनस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। हा या ना? तो इक्वेशन कह के आ गई इस वन टू से पास होने वाली जिसका स्लोप फोर दिया। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आएंगे हम किस पे? टू पॉइंट फॉर्म।
यस आइए, ये बच्चों एक लाइन है जो वही एक्स एक्सिस से एंगल थीटा यानी कि पॉइंट है ए एक्स वन बाई वन, ये पॉइंट है बी एक्स टू बाई टू, और इसी पे एक पॉइंट पी ले लू मैं अगेन एक्स वाई। तो चलिए साहब दिस, अगर ये एंगल थीटा है तो दिस इज ऑल्सो थीटा, ये पॉइंट अगर मैं सी मान लू तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे एक्स टू एन टू बाई वन, तो अगेन टेन थीटा क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो बच्चों, वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन, आया ना, यानी कि स्लोप ऑफ ए बी। अब स्लोप ऑफ ए पी वो भी टेन थीटा ही होगा कि नहीं होगा, अब स्लोप ऑफ ए पी के लिए ये पॉइंट क्या हो जाएगा, जल्दी बोल दो, ये वाला पॉइंट एक्स और वाई वन, यानी कि ये बनेगा वाई माइनस वाई वन ओवर एक्स माइनस एक्स वन, दोनों के स्लोप सेम होंगे भाई, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हैं, तो रखिए साहब वाई माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन y2 माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी कि y माइनस वाई वन वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट। सिंपली बस आपको करना क्या है, यहां n की जगह स्लोप की जगह आप इन दो लाइनों के पॉइंट को यूज कर लेंगे और पी को, y2 माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। अब जैसे कोई पॉइंट दिया है आपको वन टू, बी दिया है थ्री फोर, अब इनसे जाने वाली लाइन की इक्वेशन सिंपली वाई माइनस टू फोर माइनस टू थ्री माइनस टू एक्स माइनस वन होगी या नहीं होगी, बोलो बच्चों। तो दिस इज टू पॉइंट फॉर्म, ये आपकी कैसी हो गई टू पॉइंट फॉर्म, यानी कि दो पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन, सिंपल स्लोप के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। अगर आपको स्लोप मालूम है तो कोई भी समस्या नहीं आएगी, करिएगा नोट इसको और मैं आगे बता रहा हूं। अब आएगी आपकी क्या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है बच्चों, ये देखिए एक ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल थीटा बना रही हो और वाई एक्सिस पर सी यूनिट का इंटरसेप्ट कट कर रही हो, तो क्या इक्वेशन हो जाएगी वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जल्दी से बोलो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल थीटा और वाई एक्सिस पे सी यूनिट का इंटरसेप्ट कट करती है। तो कैसे वन पॉइंट फॉर्म से लिख सकते हैं हम, ये पॉइंट जीरो सी हो गया कि नहीं हो गया बच्चों, तो जीरो सी से जाने वाली लाइन जिसका स्लोप टेन थीटा है, अरे वाई माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, तो वाई माइनस सी एम की जगह हम टेन थीटा या एन ही छोड़ दीजिए बोलो, और एक्स माइनस जीरो, तो वाई माइनस सी इक्वल टू एम एक्स और वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सिंपल आई या नहीं आई, बोलो बच्चों। तो ये कैसी हो गई, ये हो गई आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसकी बच्चों चार फॉर्म आएंगी आपकी, बता दूं मैं आपको कैसे आएंगी साहब चार फॉर्म, देखेगा एक तो ये हो गई, एक सीन ऐसे भी तो हो सकता है, ये सी यूनिट हो गया और अब एंगल ऑब्ट्यूज हो गया आपका, यानी कि यहां एन जो है निगेटिव हो जाएगा, टेन नाइनटी से बड़ा है। तीसरा सीन ये होगा कि नहीं होगा, ये एंगल और ये सी, यानी कि इंटरसेप्ट भी निगेटिव और एंगल भी निगेटिव, ऑब्ट्यूज एंगल है कि नहीं है। और चौथा सीन आपका बच्चों ये होगा, यानी कि एंगल तो एक्यूट ही होगा और सी जो इंटरसेप्ट है वो निगेटिव होगा, निगेटिव इन द सेंस बाई एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन पे होगा। तो थीटा और सी पे ये आपकी जो लाइनें हैं, जो लाइन है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, उस पर फोकस यानी कि बेस करेगी।
बात क्लियर हुई या नहीं हुई? चलिएगा नोट करिएगा जल्दी से, हटा रहा हूं बच्चों मैं इसको। इसके बाद स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बाद आपका आएगा सिंपल इंटरसेप्ट फॉर्म, देखिएगा इंटरसेप्ट फॉर्म। अब अभी तो साफ स्लोप इंटरसेप्ट था, इंटरसेप्ट हो गया, यस वो अलग फॉर्म है, ये अलग फॉर्म है। क्या अगर कोई स्ट्रेट लाइन यानी कि ये एक्स एक्सिस पर ए यूनिट का इंटरसेप्ट और वाई एक्सिस पर बी यूनिट का इंटरसेप्ट कट करती है तो क्या इक्वेशन होगी? एक्स ओवर ए वाई ओवर बी इक्वल टू वन। जल्दी बोलो, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस पे ए यूनिट का और वाई एक्सिस पे बी यूनिट का इंटरसेप्ट कट करती है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इक्वल टू वन। कैसा आएगी बच्चों? मान लीजिए एक्स एक्सिस पे कट कर रही है ए पे, तो ये ए जीरो होंगे कोऑर्डिनेट, क्योंकि ए यूनिट का इंटरसेप्ट है, ये बी का है, तो इसके कोऑर्डिनेट जीरो बी होंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब इक्वेशन ऑफ ए बी, और ए पॉइंट है ए जीरो और बी पॉइंट है जीरो बी, तो वाई माइनस वाई वन, जल्दी बोलो, वाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स माइनस दिस, तो वाई माइनस जीरो, वाई टू कितना है बी माइनस जीरो, जीरो माइनस ए, एक्स माइनस ए, तो वाई इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, एक्स माइनस दिस। ये बच्चों ए वाई इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। अब ए बी से डिवाइड कर दीजिए इक्वल टू वन, बोलो जल्दी से, तो ये एक्स ओवर ए वाई ओवर बी इक्वल टू वन। ये आई या नहीं आई? बोलो बच्चों, तो दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इस पे भी अलग अलग है, मान लीजिए दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव लेंगे। अब अगर यहां पे एक्स नेगेटिव होगा, यानी कि अगर लाइन हमारी ऐसी आ गई ये, तो वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट पॉजिटिव लेंगे, एक्स एक्सिस का नेगेटिव लेंगे। वो तो जैसी आपको गिवेन है कंडीशन, उसके अकॉर्डिंगली ही वर्क कर लेंगे। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अब इसके बाद बच्चों एक फॉर्म और है आपकी, उस पर विचार करते हैं, करिएगा नोट जल्दी से इसको, यस करो। एक और है सिर्फ नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म, देखिएगा नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म, ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इधर देखिए, ये एक लाइन है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इस लाइन पे हमने परपेंडिकुलर डाला P, और ये जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है यानी कि ओ एम, ये एक्स एक्सिस से एंगल एल्फा बना रहा है, तो क्या इक्वेशन हो जाएगी इस लाइन L की? ये लाइन अगर L है तो x cos एल्फा प्लस y sin एल्फा इक्वल टू टी। दिस इज नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म। यहां पे बच्चों एल्फा क्या है? एल्फा जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है P, यानी कि P क्या है? ओरिजिन से इस लाइन पर डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ, ये परपेंडिकुलर है ये, ठीक है? ओरिजिन से इस लाइन पर डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ क्या है? होगी P, और एल्फा क्या है? ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यानी कि ओ एम, जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल बनाएगा, दैट आर कॉल्ड एल्फा। तो क्या होगी बच्चों? नॉर्मल फॉर्म एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इक्वल टू पी। इसकी भी बच्चों चार फॉर्म बनती है, जैसे एक ये हो गई, एक ये होगी, ये पी हो गई, और ये एंगल एल्फा, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से लेना है तो एंगल अब एक्यूट हो जाएगा, ऑब्ट्यूज होगा, तो एल्फा निगेटिव आ जाएगा। तीसरी कंडीशन बच्चों देखेगा, यस दिस, ये पी हो गया और एंगल आपका ये होगा। चौथी कंडीशन दिस, ये पी हो गया और एंगल आपका ये होगा। सारे के सारे एंगल एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से लेंगे,
बात बच्चों क्लियर हो रही है कि नहीं? तो ये इस ढंग से आप देखिएगा, हमारी छह फॉर्म थी, पांच छह फॉर्म है वेरियस फॉर्म जो हमें स्टेट लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है कि नहीं? इसके बिहाफ पे अब इसकी प्रॉब्लम्स कैसे होंगी अब हम उनको डिस्कस करेंगे। क्लियर है बच्चों? ये मैंने आपको सारी फॉर्म बता दी कि इन फॉर्म पे बेस्ड प्रॉब्लम्स आप लोग कैसे करेंगे, अब हमें ये देखना है, ठीक है? तो चलिए बच्चों अब हमें प्रॉब्लम देखेंगे। चलिए बच्चों, जो हमने स्ट्रेट लाइन की वेरियस फॉर्म में इक्वेशन पढ़ी थी, अब उन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स करते हैं हम। एनसीईआरटी की ही प्रॉब्लम है बच्चों, 10.2 एक्सरसाइज है ये पहली, यानी कि प्रॉब्लम नंबर 6 देखिए क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबव द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो क्या है बच्चों यहाँ पे, ये देखिए ये लाइन है, ये एक्स एक्सिस से एंगल कितना बना रही है, ये 30 डिग्री, और वाई एक्सिस पे 2 यूनिट का इंटरसेप्ट कट कर रही है, यानी कि सी 2 है और थीटा यहाँ कितना है 30 डिग्री। तो क्या होगी बच्चों इक्वेशन, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी कि वाई इक्वल टू 10 30x + 2, और 10 30 की वैल्यू रख दी √3/√3, और इसको सिंप्लीफाई कर दिया। सिंपली आप वैसे भी कह सकते थे क्या पॉइंट फॉर्म से भी, कि कोई एक ऐसी लाइन जो 0.02 से पास हो रही हो जिसका एंगल यानी कि स्लोप 30 डिग्री हो, तो वही y-y1 = mx-x1 से भी निकाल सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8 देखिए, फिर वही इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री। तो ये मैंने इसकी फिगर बनाई, ये स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन पे इस पे परपेंडिकुलर डाला 5 यूनिट, और ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री। तो क्या इक्वेशन हो जाएगी, एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इक्वल टू पी। तो यहाँ एल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों 30 डिग्री, पी की वैल्यू कितनी है 5, तो रख दीजिए एक्स कॉस 30 प्लस वाई साइन 30, यानी कि x√3/2 प्लस वाई इंटू 1/2 इक्वल टू 5। तो सिंप्लीफाई करिए √3x + y = 10, ये आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई। क्लियर है बच्चों? चलिए करिएगा नोट इसको बहुत जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 11। ए लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 10 and 23, डिवाइड इट इन द रेशियो 1:n, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। समझिए ये कोई दो पॉइंट है, ए 10, बी है 23। एक हमें ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इस ए बी के परपेंडिकुलर है, और इस ए बी को तो बच्चों देख रहे थे हम, क्या हमें कौन सी लाइन चाहिए थी जो इस ए बी के परपेंडिकुलर थी और इस ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को 1:n के रेशियो में डिवाइड करती है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला लगाया इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट के लिए, 1 × 2 + n × 1 / वही n + n, यानी कि 1 + n, ये एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, ऐसे ही वाई के लिए 1 × 3 + n × 0 / n + 1, वाई कोऑर्डिनेट 3/n + 1 आ गया। अब देखिएगा ये पॉइंट पी मिल चुका मुझे, अब स्लोप ऑफ ए बी क्या है बच्चों, आराम से वही y2 - y1 / x2 - x1 से निकाल लेंगे, तो स्लोप ऑफ ए बी हमारा 3 आया, तो इससे स्लोप ऑफ लाइन एल जो कि ए बी के परपेंडिकुलर है क्या आ जाएगा, -1/3, क्योंकि आप जानते हो दो लाइनें अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो आइए इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट पी, यानी कि दिस एंड स्लोप इज -1/3, तो 1 पॉइंट फॉर्म से उसकी इक्वेशन लिख देंगे क्या, y-y1 = mx-x1। तो ये आपका y-3/n + 1 / -1/3x-n + 2/n + 1, n + 1 यहां एलसीएम ले लो, दोनों तरफ कैंसिल आउट करा, सिंप्लीफाई कर दिया, आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिल गई। क्लियर है बच्चों? करिएगा नोट जल्दी से इसको।
चलिए बच्चों देखिए 13 नंबर प्रॉब्लम। यस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 22 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हूज सम इज 9। यानी कि मुझे एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है जो एक्स एक्सिस पे ए और बी का इंटरसेप्ट अगर कट कर रही है तो उनका सम 9 है, 9 और पॉइंट 22 से पास हो रही है। तो मैं मान ले रहा हूं लेट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इक्वल टू 1। इसको 22 से पास कराइए, करा दिया। अब यहां दो अननोन है ए और बी, एक कंडीशन दी है कि ए प्लस बी 9 है, तो यहां से बी इक्वल टू 9 माइनस ए आ गया, बी की जगह 9 माइनस ए रख दिया। अब मैंने एलसीएम ले लिया ए इंटू 9 माइनस ए, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इसमें करेंगे, तो फाइनली सिंप्लीफाई करके मेरे पास आया ए स्क्वायर माइनस 9 ए प्लस 18 इक्वल टू 0। अब बच्चों इसके फैक्टर कर दिए हमने, 6 इंटू 3 आएंगे, यानी कि ए की वैल्यू 3 और 6। ठीक, अब ए की वैल्यू उठा के यहां रखेंगे तो बी कितना आएगा, ए अगर 3 है तो बी कितना आएगा 9 माइनस 3 इक्वल टू यानी कि 6, और अगर ए की वैल्यू 6 है तो बी कितना आएगा बच्चों 9 माइनस 6 यानी कि 3। तो चलिए ए इक्वल टू 3 तो बी इक्वल टू 6, ए इक्वल टू 6 तो बी इक्वल टू 3 उठा के यहां रखो। तो क्या हो गया इक्वेशन, एक्स ओवर 3 प्लस वाई ओवर 6 इक्वल टू 1 और दूसरी एक्स ओवर 6 प्लस वाई ओवर 3 इज इक्वल टू 1। बाकी इनको सिंप्लीफाई कर दो और सिंप्लीफाई करने के बाद आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों देखिए प्रॉब्लम नंबर 15 क्या है। ये द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन मीट इट एट द पॉइंट माइनस 2 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। एक बच्चों हमें लाइन की इक्वेशन बतानी है जो पॉइंट माइनस 2 9 से पास हो रही है, और क्या दिया है ओरिजिन से इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर है वो ओ ए है। ठीक, तो चलिए सिंपल स्लोप ऑफ ओ ए कितना हो जाएगा, बाई 2 माइनस बाई 1 यानी कि 9 माइनस 0 ओवर माइनस 2 माइनस 0 मीन्स माइनस 9 ओवर 2। अब चूंकि जो एल है वो ओ ए के परपेंडिकुलर है तो इक्वेशन स्लोप ऑफ लाइन एल कितना हो जाएगा, 2 ओवर 9। बोलो तो इक्वेशन ऑफ एल पासिंग थ्रू पॉइंट माइनस 2 9, इक्वेशन ऑफ एल पासिंग थ्रू पॉइंट माइनस 2 9 एंड स्लोप इज 2 ओवर 9। तो भाई इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन जिसका स्लोप 2 ओवर 9 हो, y माइनस 9 इक्वल टू 2 ओवर 9 x प्लस 2, सिंप्लीफाई कर लीजिए 2x माइनस 9y प्लस 85 इक्वल टू 0। ये तो आप समझ गए होंगे कि स्लोप 2 ओवर 9 क्यों खड़ा, क्योंकि लाइन L और OA आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, करिएगा नोट। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये 17 नंबर है। द ओनर ऑफ ए मिल्क स्टोर, पढ़ो बच्चों जरा देखो इसको जल्दी से। यस, क्या है, द ओनर ऑफ ए मिल्क स्टोर फाइंड दैट ही कैन सेल 980 लीटर ऑफ मिल्क ईच वीक एट ए आर एस ऑफ 14 रुपीज पर लीटर। ठीक, उसके बाद फिर है 1220 लीटर ऑफ मिल्क ईच वीक एट द रेट ऑफ 16 रुपीज पर लीटर। एज्यूमिंग ए रिलेशन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड, हाउ मेनी लीटर कुड ही सेल वीकली एट आर एस 17 रुपीज पर लीटर। बच्चों पहले इसका मीनिंग समझो आप, प्रॉब्लम क्या है पहले आप इसका मीनिंग समझिए। उसने कहा है कि ये सेलिंग प्राइस और डिमांड में एक लीनियर रिलेशनशिप है। लीनियर रिलेशनशिप का मतलब समझते हो, जैसे कोई लाइन है बच्चों ध्यान से देखेगा, यस यही है सबसे इंपॉर्टेंट। कोई देखे इधर, जैसे ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इस टाइप की फॉर्म है तो हम इसे बोलेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है ये, क्वाड्रेटिक, यानी कि इसको मैं लिख दू सपोज वाई इक्वल टू दिस, और अगर मैं इसी में इसकी डिग्री 2 की जगह 1 कर दू यानी कि ए एक्स प्लस बी कर दू तो दिस इज कॉल्ड लीनियर रिलेशनशिप।
यानी कि दिस इज लीनियर इक्वेशन, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यहीं पर डिग्री 3 होगी तो कैसी हो जाएगी वो क्यूबिक इक्वेशन। ठीक, तो उसने बोला है कि ये लीनियर रिलेशनशिप है सेलिंग प्राइस और डिमांड में। तो मैंने क्या करा बच्चों, सेलिंग प्राइस को एस और डिमांड को डी लिख दिया, तो एस इक्वल टू ए डी प्लस बी, यानी कि यहां वाई की जगह एस और एक्स की जगह डी डिमांड रख दिया। ठीक है, तो एस इक्वल टू ए डी प्लस बी। ठीक, अब देखिए क्या है, 980 लीटर, डी की जगह 980 लिखो और एस की जगह 14। ठीक, फिर डी की जगह 1220 और एस की जगह 16। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, सॉल्व करके बच्चों यहां से ए की वैल्यू 1/120 आई, इस ए को उठा के ऊपर वाले इक्वेशन में रख दीजिए, वहां से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35/6। इस ए और बी को उठा के यहां रखिए, यस इसमें। अब वो क्या कह रहा है, हाउ मेनी लीटर कुड ही सेल वीकली एट RS 17 पर लीटर। हाउ मेनी लीटर यानी कि सेलिंग प्राइस अगर 17 रुपीज पर लीटर हो तो भाई डिमांड कितनी होगी, आप समझ रहे हो। जब हमारे रेट 14 रुपए थे तो डिमांड थी 1220, जब हमारे रेट कुछ अधिक थे, कितने रेट अधिक थे हमारे, सॉरी जब हमारे रेट 14 रुपीज थे तो डिमांड थी हमारी 980 लीटर, अब जब हमारे रेट हमने 16 रुपीज करे, ठीक है, तो डिमांड कितनी थी 1220 लीटर, अब हमने रेट कितने कर दिए 17 रुपए, तो डिमांड कितनी आएगी हमारी, वो आई है बच्चों 13 से 40 लीटर। यानी कि यहां से ए और बी रख के और यहां पे सेलिंग प्राइस की जगह 17 रख के डी की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करी जो कि 13-14 लीटर आई। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे हम रेट बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे डिमांड बढ़ रही है वीकली। अब आप कहोगे साहब ऐसा क्यों हो रहा है, रेट भी बढ़ा रहे और डिमांड भी बढ़ रही है, इसका मतलब अगर आप रेट बढ़ा रहे हो तो उसकी क्वालिटी भी आप चेंज कर रहे हो, यानी कि क्वालिटी भी इंप्रूव कर रहे हो पहले से। तो क्वालिटी अगर इंप्रूव करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड आपकी अपने आप ही बढ़ जाएगी। क्लियर है बच्चों, करिएगा नोट। चलिए बच्चों देखिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये भी बहुत इजी है। यस, क्या है 18 नंबर, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट बिटवीन द क्वाड्रेंट एक्सिस। पी जो है क्वाड्रेंट एक्सिस के पीछे एक लाइन सेगमेंट है, उसका मिडिल पॉइंट है। देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं मान ले रहा हूं कि ये लाइन जो है क्वाड्रेंट एक्सिस पे पी एंड क्यू यूनिट का इंटरसेप्ट कट करती है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, एक्स ओवर पी प्लस वाई ओवर क्यू इज इक्वल टू 1। अब ये जहां एक्स एक्सिस को कट कर रही है उसके क्वाड्रेंट पी जीरो होंगे, जहां वाई एक्सिस को कट करेगी उसके क्वाड्रेंट जीरो क्यू होंगे, और पी जो है यानी कि ए बी ये इसका मिड पॉइंट है। बच्चों मैंने यहां पे जो इंटरसेप्ट पी और क्यू क्यों लिए है, क्योंकि इसने ए और बी पहले से यूज कर रखा है, अदरवाइज हम जनरली इंटरसेप्ट ए एंड बी लेते हैं। तो आइए खैर मिडिल पॉइंट फॉर्मूला से ए इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, यानी कि पी प्लस जीरो बाई टू, यहां से पी टू ए आ गया। बी इज इक्वल टू जीरो प्लस क्यू बाई टू, यानी कि क्यू की वैल्यू 2b हो गई। तो इस पी और क्यू को उठा के यहां रखिए, यानी कि एक्स ओवर 2a प्लस वाई ओवर 2b इज इक्वल टू 1। तो यहां से क्या हो गया, ये एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 2। तो ये बच्चों कैसी इक्वेशन हो गई, स्ट्रेट लाइन की जिसका मिडिल पॉइंट ए एंड बी गिवन था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप 10.2 एक्सरसाइज बाकी बची प्रॉब्लम आराम से कंप्लीट कर सकते हो, काफी मेथड्स मैंने आपको इसके सिखा दिए हैं। अब जो भी प्रॉब्लम्स आपको आएगी आप व्हाट्सएप के द्वारा फोन करके किसी भी ढंग से आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, आज के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।